up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to get up and give up. I just want you, but I don't know just. Assalamu alaikum, hope so you are doing good. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई होप सो मैंने उसमें सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे, इंस्टाग्राम वाले भी और कमेंट सेक्शन वाले भी। उसके अलावा भी जो मुझे एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले, एक तो वो ये था कि पीएमसी का पेपर करना ज़रूरी है कि नहीं, पीएमसी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें क्योंकि पेपर उसमें से आता है, जो खासतौर पर फिजिक्स का, स्पेशली फिजिक्स का पेपर पीएमसी के प्रैक्टिस पेपर में से आता है। सेकेंड क्वेश्चन, बायो के किस चैप्टर में से सवाल सबसे ज़्यादा आए गए थे? बायो के जब मैंने पेपर दिया तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से सबसे ज़्यादा सवाल आए गए थे, लेकिन मैंने भी एक दो दोस्तों से भी कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से सवाल ज़्यादा आए हुए थे। एक दफ़ा में ये था कि किसी में मेल में ज़्यादा आए हुए थे किसी में से, और किसी में फीमेल वाले में से ज़्यादा आए हुए थे, तो जो जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसको अच्छी तरह तैयार कर लो। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि किसी को हमारा पीएमसी का रिजल्ट शो होगा पब्लिक को? नहीं, जब तक आप किसी को अपना रोल नंबर नहीं दोगे आपका रिजल्ट किसी को शो नहीं होगा। बल्कि आप तो ऐसा करो, आप जाओ ज़रा पीएमसी टिप्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाकर ज़रा लॉगिन करो, आपको अपना रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, जाके चेक कर लो, बेशक कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आपको आपका वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं शो करा। ऐसा पहले ऐसे ही था ना कि जब हम लॉगिन करते थे एक तरफ आता था प्रैक्टिस एमडी कैट, परचेस एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट, नीचे आ रहा था रिजल्ट 2021, वहाँ पे वो तीसरा अब लोगों शो नहीं कर रहा। उसके बाद जो है थर्ड, जो मैंने मेन आज बात करनी थी, जिस जो मेन मोटिव था आज मेरी वीडियो का, वो ये कि यार जब हम मैं आजकल देख रही हूँ इंस्टाग्राम जब खोलो, यूट्यूब जब खोलो या फिर फेसबुक स्क्रॉल डाउन करो, तो वहाँ पे ना आ रही है 20% रेशो निकली लड़के लड़कियों ने सुसाइड कर ली, बलूचिस्तान में 30% लड़के लड़कियों ने सुसाइड कर ली, चार लड़कों ने सुसाइड कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ पीएमसी टेस्ट। मतलब क्या यार, हमारे पास हमारी अगर हमें लाइफ में कोई नाकामी आई है तो हमारे पास इसका ये सलूशन है कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लें, हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर सब कुछ इस दुनिया में, अपने पेरेंट्स को इस दुनिया के सवालों के लिए छोड़ के चले जाएं कि हम जा रहे हैं, हम आप अब इस दुनिया के सवालों के जवाब दें कि हमारे बच्चों ने खुदकुशी क्यों की, ठीक है? तो सुसाइड का सुन के गॉसिप हम सोते हैं यार, और किस तरह बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, सुसाइड जो है ना कोई सलूशन नहीं है आपकी किसी भी चीज़ का, आपकी लाइफ में नाकामी का सलूशन सुसाइड नहीं है। आप सुसाइड करते हो ठीक है, आपने कर ली, चले गए आप इस दुनिया से, पीछे जवाब देने के लिए कौन रह गया? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, ठीक है, ये दोनों रह गए। उसके बाद जब आप आगे जाते हो, अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? किस मुंह से अल्लाह ताला को कहोगे? तो होगे कि हम सिर्फ एक टेस्ट पास ना करने की वजह से हम खुदकुशी करके आ गए। आपको क्या लगता है अल्लाह ताला कहेंगे जी कुछ नहीं होता अब आप जन्नत में चले जाएं? ऐसा कुछ नहीं है। ज़रा एक दफ़ा यूट्यूब करके देखो कि खुदकुशी करने वाले के साथ होता क्या है। मैंने जहाँ तक सुना ना वो यही है कि जिस हालत में वो सुसाइड करते हैं ना, क़यामत तक उसको उसी हालत में रोज़ रोज़ मारा जाता है। यार हम लोग ना वो बच्चे, हम उस उम्र के बच्चे थे कि हम लोग ना छुरी से डरते थे, ठीक है, और आज वही बच्चे खुद अपने हाथों से अपनी वेंस काट रहे हैं। हम वो बच्चे थे यार कि जो बचपन में पैनाडोल का सिरप पीने से डरते थे, और आज वही बच्चे अपने हाथों से स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं। यार क्या मतलब, हम लोग की लाइफ का कोई मोटिव नहीं था? माना यार आपके नहीं आए पीएमसी में नंबर, मैं आपको कह रहा था, मैं इधर सामने बैठी इतने मज़े, इतने आराम से या मज़े से मैं बोल रही हूँ तो मैंने 210 में से 210 नंबर ले लिए? नहीं यार, मैंने अपने नंबर बताए हैं, मेरे 152 मार्क्स हैं सिर्फ, मेरा बीडीएस का मेरिट नहीं है ये, लेकिन क्या करूँ, मैं सबको छोड़ के बैठ जाऊँ कि नहीं जी मैं तो आगे, मैंने तो करना ही बीडीएस था, मैं तो आगे जा ही नहीं सकती, क्यों मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? 40,000 अगर डॉक्टर बन गया ना, 40,000 लड़के लड़कियाँ अगर बीडीएस में चले गए, तो जो बाकी बच्चे हैं ना उनमें से कहीं एक मैं भी हूँ जिसने न्यूट्रिशनिस्ट बनना होगा, कहीं एक आप भी होगे जो साइकाइट्रिस्ट बनेंगे, कहीं एक आप भी होगे जो किसी और फील्ड में चले जाओगे। सिर्फ मेडिकल ही फील्ड रह गई है हमारी लाइफ में, एक ही फील्ड है और कोई फील्ड नहीं हमारे पास, क्यों? बहुत फील्ड्स हैं यार, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। अच्छा एक ना वीडियो रात को मैं देख रही थी, उसमें ना गुजरा वाले की लड़की है, वो मुझे उसका एक्यूरेट नाम नहीं याद है, वो लड़की ना लाइव रोई है यूट्यूब पर लाइव, ठीक है, गुजरा वाले की है वो लड़की, वीडियो देख लेना अगर मिल गई तो। वो लड़की ना लाइव रोई है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने इतने मार्क्स, कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, ठीक है।
और वो लड़की कह उसके वो कहती है कि पेपर या तो फिजिकल करो या फिर पेपर अगेन करो। देखो इसकी मिसाल ना इस तरह से है कि आप जब लाहौर बोर्ड में पेपर, किसी भी बोर्ड में पेपर देते हो ना आप, अगर आप रिजल्ट आया आपको इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे कि मेरे इतने आएंगे, आपके कम आए हैं 400 मार्क्स, चलो आपके आ गए, आपको 450 की उम्मीद थी, पेपर रीचेकिंग के लिए जाते हो, क्या होता है वहाँ पे? जिसने रीचेकिंग की होगी करवाई होगी ना उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्या होता है वहाँ पे। जब जाते हो ना पेपर दिखाते हो, सर हमारा ये क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, सर हमें इसके मार्क्स नहीं मिले, क्या होता है वहाँ पे? कुछ भी नहीं होता, वो आपको इस तरह इग्नोर करते जैसे आप बोल ही नहीं रहे, जैसे आप खड़े ही नहीं, ऐसा ही होता है ना। 19-20 तो क्या वो आपके नंबर्स में 0.5 भी इंक्रीज़ नहीं करते हैं, 0.5 और 0.5 के से ना बच्चे का मेरिट ऊपर चला जाता है और 0.5 से बच्चे का मेरिट नीचे आ जाता है, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार। वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, सेम सीन पीएमसी का है यार, वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं आधे आधे घंटे बाद, उन्होंने रिजल्ट देखे हम लोगों को फारी किया और अब जाके ज़रा लॉग इन करो, हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हमारा, वहाँ वो लोगो ही नहीं शो कर रहा, वो जो साइन था कि आप यहाँ पे टेस्ट अपना रिजल्ट चेक करो वो ही नहीं है, जाके बेशक देख लेना है एक दफ़ा। तो यार मेरी बात सुनो, सुसाइड सोल्यूशन नहीं है हमारे इन सब चीज़ों का, हमारी लाइफ में एक नाकामी आई हम सुसाइड करके बैठ जाए। जो बच्चे सिंगल पेरेंट्स के होंगे ना, वैसे तो अल्लाह हर पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दें, लेकिन अगर किसी के सिंगल पेरेंट्स होंगे ना, वो ज़रा एक दफ़ा सोच के देखो कि यार आप, उन्होंने आपको नर्सरी से लेकर आपके इंटर तक आपके साथ खड़े रहे, ठीक है, उन्होंने आपके लिए मेहनत की, अगर आपके चाहे आपके फादर हैं चाहे आपकी मदर हैं, उन्होंने मेहनत की कि मेरा बच्चा किसी स्टेज पर पहुँच जाए, किसी अच्छे लेवल पर पहुँच जाए मेरा बच्चा, उन्होंने आपके लिए मेहनत की, दिन रात की, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके आपकी ख्वाहिशात पूरी की, ठीक हो गया। तो आप एक नाकामी की वजह से उनकी वो 14 साल की मेहनत ज़ाया करके सब कुछ ख़त्म करके आप सुसाइड कर लेते हो, क्या ये आप लोगों के पेरेंट्स की मेहनत का फल ये है उनके लिए? सोच के जवाब ज़रूर देना। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा हमारी फैमिली में दादा भी आपके डॉक्टर थे, दादी अम्मी भी डॉक्टर थी, आपके पापा भी डॉक्टर, आपकी मम्मा भी डॉक्टर, आगे से आप भी डॉक्टर बनोगे, पेरेंट्स से मेरा एक सवाल है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है या ये कहाँ पे मेंशन है कि जो आपके फैमिली में बड़े सारे हैं ना वही आपके बच्चे भी बनेंगे आगे। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ट्राई अप्लाई किया, उन्हें मेरा वहाँ पर DPT में नाम आ गया, ठीक है, वो लोग करवा रहे थे विदाउट MDCAT, मैंने वहाँ पर अपना दिया, मेरा आ गया है, मेरे पास उसका फीस सलाम भी पड़ा हुआ है, मतलब मेरा नाम वहाँ में मेंशन है, मैं इजीली मैं वहाँ जाकर अपना एडमिशन ले सकती हूँ। मैंने दो में दिया था, न्यूट्रिशनिस्ट में और DPT में, मेरा DPT में नाम आ गया तो अब मैं इजीली कर सकती हूँ। यार एक दफ़ा दुनिया को एक्सप्लोर करो, गूगल को एक्सप्लोर करो, यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, देखो कि क्या क्या कौन कौन सी फील्ड्स पड़ी हुई यार, इतनी फील्ड्स हैं मेडिकल की, इतनी ज़्यादा, ठीक है, इतनी फील्ड्स के बाद हम लोगों ने क्या करना, हम लोग इतनी ये सारी फील्ड्स हम छोड़ के कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने तो BDS या MBBS ही करना और किसी फील्ड में तो कोई है नहीं। मैंने कल वाली पढ़ लास्ट टाइम वाली अपनी वीडियो में भी यही कहा था कि डॉक्टर कोई भी हो उसकी कदर की जाती है, ठीक है, कोई भी हो डॉक्टर। तो मेरी बस लास्ट यही एक बात है कि जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि अगर हमारा PMC का पेपर ख़राब हुआ तो हम सुसाइड अटैम्प्ट कर लेंगे, तो सिर्फ एक दफ़ा PMC का पेपर देने जाने से पहले अपने पेरेंट्स को देख के जाना, ठीक है, और सेकंड जब अपने रिज़ल्ट चेक करने लगोगे ना तब भी अपने पेरेंट्स को देख लेना, ठीक है। तो ये सोच लेना कि अगर आपने सुसाइड की ना तो उनकी मेहनत का सिला ये नहीं होगा, वो दुनिया के सवालों के लिए रह जाएंगे सिर्फ, और आप जो अल्लाह को किस तरह फेस करोगे यार। ये जो हमारे पास जान है ना, ये हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है, ठीक है, हम तो किसी अपने दोस्त की अमानत में ख्यानत नहीं करते, तो यार अल्लाह ताला की दी हुई अमानत में कैसे आप ख्यानत कर सकते हो, कैसे आप अपनी मर्ज़ी से उसको ख़त्म कर सकते हो यार। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिन्होंने अभी PMC का पेपर देना है और उन्होंने इस तरह की कोई फजूल सी बात सोची हुई है, ठीक है। दूसरी बात, जो पेरेंट्स, अब ये जो बात मैंने की कि अपने पेरेंट्स जो बच्चों को कहते हैं कि पूरी फैमिली डॉक्टर, आप भी डॉक्टर बनो, अपने बच्चों को आप खुद सपोर्ट करें। आप जो पेरेंट्स हैं, मैं भी आप लोगों की बेटियों की तरह हूँ, छोटी हूँ मैं, ठीक है, लेकिन बीइंग अ फ्रेंड, जैसे मेरी मामा ने मेरे साथ किया, उन्होंने मुझे फील्ड्स ला के दी, उन्होंने मेरे सर पे ये मुसल्लत नहीं किया कि बेटा नहीं जी नहीं, BDS में नहीं हुआ, आप रिपीट करो, आप दोबारा करो,
नहीं किया मैंने यार, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे 152 मार्क्स है ना, मैंने दोबारा रिपीट किया ना, मैंने 110 पे पहुंच जाना। मुझे अंधा यकीन था इस बात का। मैं ये नहीं कह रही मुझे अंधा यकीन है कि मैं 198 क्रॉस कर लूँगी, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। इस बात का मुझे यकीन है कि मैं 152 से 110 पे आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो देखी, उसमें तीन लड़के और दो लड़कियाँ थी, उन्होंने ये बात की कि हम 5 के 5 रिपीटर्स थे, और एक लड़का था उसमें जिसने रिपीट पे रिपीट और दोबारा इस साल दोबारा रिपीट किया था उसने। जब उसने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया ना, उसके नंबर थे 191, क्योंकि उसने MBBS करना था इसलिए उसको रिपीट करना पड़ा, उसका मेरिट 191 पे नहीं बना। जब उसने रिपीट किया नेक्स्ट टाइम उसका नंबर आ गया 180 समथिंग, कम हो गया उसके सेकेंड टाइम में। जब अब इसने अटैम्प्ट किया ना पेपर, उसके नंबर 170 समथिंग रह गए। मैं कहाँ की हूँ यार, मेरे तो फिर 152 है, तो मुझे 100 से भी नीचे गिरा देना, मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ यही है कि आप पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की बैक पे बैक लगा के खड़े हों, उनको बताएं कि बेटा अगर नहीं भी हुआ ना कुछ नहीं होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपको फील्ड्स ला के दिखाता हूँ, आपके बाबा आपसे कहें, आपकी मम्मा जो हैं वो आपको कहें कि बेटा ये फील्ड्स हैं, ये देखो, आप इन फील्ड्स में जाओ, ये फील्ड चूज़ कर लो, इस फील्ड में चले जाओ, इसका ये क्राइटेरिया है। जो भी जब एक दफ़ा बच्चा कर ले ना कि मामा पापा मैंने ये करना है, तो पेरेंट्स फिर ये नहीं देखते कि हम फीस कैसे अफोर्ड करेंगे, हम किस तरह, पेरेंट्स फिर वो ना सिर्फ अपने बच्चे का गोल देखते हैं, उन्होंने आपकी फ़ीस पे करके आपको वो उस लेवल तक पहुँचाएंगे कि मेरा बेटा मेरा बेटी ये कर दी है। जो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था MBBS करके या MBBS करके, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट में चले जाओ, क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाओगे? क्या तब आपको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी? क्या आप अपना प्राइवेट क्लिनिक तब नहीं खोल सकोगे? आप सब कुछ कर सकते हो यार, आप फाइन आर्ट्स में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ ना, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। सिर्फ एक बात, आप सुसाइड करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो? आप ये बता सकते, आपके पेरेंट्स से कहेंगे कि हाँ भाई हमें बहुत फ़ख्र है जी हमारे बच्चे ने एक पेपर ना देने की वजह से सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। ये प्राउडिंग मोमेंट है उनके लिए? नहीं यार, ये प्राउडिंग मोमेंट नहीं है उनके लिए। प्राउडिंग मोमेंट वही है कि वो आपके साथ, आप उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, और आपके मामा बाबा कहें कि मेरे बच्चे ने एक नाकामी की वजह से अपनी लाइफ को छोड़ा नहीं है, उसने एक स्टेप गिरने की वजह से बिल्कुल ही सीढ़ी को छोड़ा नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारी सीढ़ियाँ होते हैं, ठीक है, दो सीढ़ियाँ इसी तरह लगती हैं, और जो बीच में स्टेयर्स होते हैं ना, हम लोगों को वो कंप्लीट करनी होती हैं। अगर आप बीच वाली एक नहीं ना लगाओगे, तो आप उससे ऊपर वाला स्टेप लगाओ। इससे सिर्फ ये होता है कि जो फील्ड है ना हमारी, आपको एक और रास्ता नजर आने लगता है, आपको पता चल जाता है कि अगर एक नहीं ना लगा, आप बीच में से स्किप कर भी दो ना, तो कोई बात नहीं, आप स्टेयर्स चढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे ना, तो वो जो आपके जो साइड वाले मामा पापा खड़े हैं ना साइड्स पे, वो खड़े ही रह जाएंगे, एक ही साइड पर और एक ही साइड पर, बीच में सीढ़ियाँ लगाने वाला कोई भी नहीं होगा उनके पास। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने 152 मार्क्स लेके मैं भी सोच सकती थी कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं BDS में, मैं क्यों नहीं सुसाइड कर लेती, क्यों करूँ मैं अपनी मामा को छोड़ के क्यों जाऊँ। जो ख्वाब उन्होंने देखा मैं ना, उस ख्वाब को मैंने अपना ख्वाब बनाया कि मुझे ये हर हाल में करना है, सो आई कैन डू इट। यार मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं वो स्टेप लगाती रहूंगी, मैं हर हाल में वो स्टेप लगाऊंगी। और एक बात और, ये चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप वो स्टेप्स लगाओगे ना, एक तो ऊपर आपकी मंजिल है, ठीक है, कोई भी फील्ड की हो, एक ऊपर आपकी मंजिल है, सेकेंडली जो है ना, उस मंजिल के साथ ना आपका अल्लाह भी खड़ा है यार। जब आप कामयाब होगे ना, अल्लाह ताला को भी खुशी होगी कि मेरे बंदे ने वो करके दिखाया, शैतान ने इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाली कि खुदकुशी कर लो, जाओ बस ख़त्म हो गया सब कुछ। ये हर बच्चे के माइंड में आती है, मैं भी कहूँगी मेरे माइंड में भी ये बात आई थी कि सुसाइड कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं बचा, ये मेरी बात माइंड में भी बात थी। लेकिन मैंने उसी टाइम नमाज़ पढ़ी, मेरा पेपर जुम्मे को था, बेशक 10 सितंबर को जुम्मे को पेपर था, मैंने उसी टाइम जोहर की नमाज़ पढ़ी, जुम्मा पढ़ा मैंने, एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं ये क्या सोच रही हूँ यार, मैं कैसे खुदकुशी का सोच बैठी, मैं पागल हो गई थी कि सुसाइड करने बैठ गई मैं। मैंने उसी टाइम जाके अपनी मामा को सॉरी किया, उनसे कहा कि मैं कोई और फील्ड चूज़ करना चाहती हूँ। अगले घंटे बाद ही उन्होंने मुझे नौ फील्ड्स
मुझे लिख के दी, राबिया ये फील्ड्स हैं, बताओ कौन सी फील्ड चाहिए आपको। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, मैं अपनी माँ, अगर फॉर एग्जांपल 12:30 मेरा पेपर टेस्ट वो आया रिजल्ट, 1 बजे मैं खुदकुशी कर लेती, उस एक बजे से लेकर आगे ज़िंदगी में आने वाले कितने दिन मेरी माँ तड़पती रहती। मैं अभी स्टिल मुझे गौसी मम सॉरी है, मतलब यार खुदकुशी करने वाले कैसे कर लेते हो यार, नहीं करो। हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे रहेंगे, हम डॉक्टर भी बन जाए ना, इनफैक्ट हम शादीशुदा भी हो जाए ना, हम अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है हम कभी बड़े हुए ही नहीं हैं, तो सिर्फ एक दफ़ा उनके बारे में सोचो सुसाइड करने से पहले और कुछ भी करने से पहले। सिर्फ ये सोचो कि अगर आप कोई और फील्ड रख लोगे ना, उससे भी आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। अगर आप लेक्चरार भी बनते हो, अगर आप BS ऑनर्स भी करते हो, अगर आप बॉटनी भी करते हो, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी भी करते हो, कुछ भी करते हो, बट एवर यार आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा कि मेरा बच्चा ये है, मेरी बच्ची इस फील्ड में है। तो अपनी हिम्मत को मत छोड़ो, अपने पेरेंट्स को जो प्राउड फील करने का आपका ख्वाब है ना, उस ख्वाब को मजबूती से पकड़ के रखो यार। एक अपने अल्लाह की डोर ना छोड़ो, ठीक है, एक अपना ख्वाब को ना छोड़ो, ठीक है। ये दो चीज़ें ना अपनी लाइफ का मेन मोटिव बना लो यार, कुछ भी हो। क्योंकि कहते हैं कि जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हो ना, ऊंच नीच आती रहती है, सप्ली पास होते रहते हो आप। लेकिन अगर एक दफ़ा सप्ली आ जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड से पीछे हट जाओगे, ये नहीं करना। अगर आपका DPT में एडमिशन हो भी जाए ना, और आप कह दो जी कि बाद में आप छोड़ दोगे DPT, आपकी एक दफ़ा में अल्लाह ना करे अगर किसी का एक दफ़ा में फर्स्ट सेमेस्टर में चलो, अगर अल्लाह ना करे किसी का फेल हो जाता है अगर एक सब्जेक्ट में, वो तो वो क्या करेगा, वो सेमेस्टर छोड़ देगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको अपना मोटिव बनाओ कि कुछ भी हो यार, कुछ भी, मुझे मेरे मोटिव से पाँव नहीं मोड़ने हैं। एक दफ़ा जब मोटिव के आगे जाते जाओगे ना, आपको अपने रास्ते जो है ना, शुरू में आपको बहुत पत्थर नज़र आएंगे, मेरे रास्ते में बहुत पत्थर हैं। फेलियर जब 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 इंसान गिरता है ना, या तो उसको खुद उठना पड़ता है, और या फिर उसको खुद ही मज़ीद गिरना पड़ता है, ठीक है। अगर आप खुद उठ जाते हो ना, आपको फिर साथ आपका अल्लाह भी आपके साथ रहता है। और कहते हैं कि अल्लाह के घर में जो है ना, देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी दूर बातें हैं ना, इनका माइंड में रखो। और उसके अलावा हाँ, जब आप अपने रास्ते मंजिल पे चलने लगते हो ना, आपको अपने रास्ते में बहुत सारे पत्थर नज़र आते हैं। आपको फेल भी आप हो जाओ ना, या आप ठोकर खा के गिर भी जाओ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मज़ीद गिर जाओ वहाँ पे, आप वहीं पड़े रह जाओ। नहीं यार, वो एक स्टॉप नहीं है आपकी लाइफ का, आपको वहीं से खड़े होना है। उसी जहाँ पे जगह पे गिरे हो ना, आप उसी जगह से खड़े हो और वहीं से चलना स्टार्ट करो। और इस यकीन के साथ चलो कि आगे का जो रास्ता है ना, वो फूलों से बना हुआ है, आपको उस रास्ते पर चलना है जो साफ़ है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, गिरे होगे जहाँ पर, अगर आप वहाँ पे खड़े होकर देखोगे ना, आपको पीछे रास्ते में ना बहुत ज़्यादा सन्नाटा, बहुत ज़्यादा खामोशी और बहुत नाउम्मीदी नज़र आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप खुद खड़े होकर आगे जाते जाओगे ना, आपको आपकी कामयाबी, आपको आपकी मंजिल आपके पास आती हुई नज़र आती जाएगी। आपको पता चलेगा कि यार मैंने, शुक्र है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं पीछे मुड़ के देखा मैंने, लेकिन मैं पीछे नहीं गया। इस चीज़ का आप शुक्र करोगे, आप फिर आपको अपने अल्लाह पे यकीन होने लगेगा। यकीन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत होता है सबको, फिर आपको आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा कि यार नहीं, मैंने अपने अल्लाह का साथ नहीं ना छोड़ा, तो अल्लाह ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपनी मंजिल से नहीं ना हटा, तो मेरे अल्लाह ताला ने भी मेरे ख्वाब को पूरा करने से अल्लाह ताला ने भी मुझे पीछे नहीं हटाया। मैंने अपने ख्वाब पूरे किए हैं, हर हाल में किए हैं। सो दैट्स इट। बस आप लोगों से यही यार, इस वीडियो की मेन वजह मोटिव यही थी कि जो बच्चे PMC के पेपर के बाद सुसाइड का सोच के बैठे हुए हैं ना, सिर्फ एक दफ़ा अपने पेरेंट्स की मेहनत, उनकी उम्र, कि उन्होंने आपके साथ कितनी उम्र गुजारी हुई है, उनका ख्वाब कि उन्होंने आपको डॉक्टर बनाना है,
और उसके अलावा अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे, ये चार पांच बातें सोच लेना, उसके बाद बेशक सुसाइड कर लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ इन चार पांच बातें सोचने के बाद, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, स्लीपिंग पिल्स खाओ, वेंस काटो, कोई बात नहीं यार, बस ये सोच लेना एक दफ़ा। ये मेन मोटिव था। और दूसरा ये कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपनी बैग पे बैग लगा के खड़े हैं अपने बच्चों के साथ कि बेटा कुछ भी हो हम अवेलेबल हैं, वही बच्चे कामयाब होंगे। अपने बच्चों को मोटिवेट करें जितना ज़्यादा हो सके, अपने बच्चों को फील्ड्स ला के खुद दिखाएं, बेटा कुछ नहीं हो गया, BDS MBBS सिर्फ फील्ड्स नहीं है, ये फील्ड्स हैं, आके चलो कुछ नहीं हुआ, पीछे मुड़ के नहीं देखो, जितना पीछे मुड़ते जाओगे ना आप ब्लैंक रहते जाओगे, आप इस ज़माना, ये जो ज़माना भाग रहा है ना आज हमारा, आप इस ज़माने से बहुत पीछे रह जाओगे, और आप किस तरह किसी के पाँव के नीचे कुचले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बस, और अगर इन सब मेरी बातों में से कोई भी मेरी एक बात किसी के पेरेंट्स को या किसी बच्चे को मेरी कोई एक बात भी बुरी लगी तो दिल से मैं सॉरी करती हूँ, ठीक है। और बाकी अगर कुछ समझ लग गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता देना। सो बस इतना ही। डू मस्ट लाइक, हेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।